पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद का एक और कारनामा सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले शेयर में सबसे ज्यादा हिस्सा पुनीत गुप्ता को अपने पिछले कुछ वर्षों में मिला है। यह हिस्सा पुनीत गुप्ता के बैंक अकाउंट में जमा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये शेयर तब ज्यादा थे जब तत्कालीन अम्बेडकर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मेडिसिन डिपार्टमेंट से कम बिस्तरों वाला है। मेकाहारा के अधीक्षक डॉक्टर विवेक चौधरी से खास बातचीत की है राज संवाददाता सत्य राजपूत ने। डॉक्टर पुनीत गुप्ता का एक और कारनामे सामने आया है। दरअसल वो जब मेकाहारा में पदस्थ थे उस दौरान उनका स्लेब बहुत आया है। जो राष्ट्रीय बीमा योजना के तहत मिलने वाले इंसेंटिव है वो सबसे ज्यादा रहा है। आखिर ये क्या कारण है, इसे तमाम जानकारी के लिए मेकाहारा अधीक्षक विवेक चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये क्या कारण रहा है, वो ऐसे क्या काम करते रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्लेब उनका बना है? कोई इसमें कोई गलत काम नहीं किया है। स्मार्ट कार्ड में दो स्कीमें होती हैं, अलग अलग स्लैब होते हैं। एक स्लैब ज्यादा महंगी दवाइयों का रहता है, 15,000 से 20,000 रुपए वाली दवाइयों का रहता है। एक स्लैब जैसे हमने हमारे यहाँ कैंसर में कीमोथेरेपी लगती है, कीमोथेरेपी का हम 5,000 रुपए चार्ज करते हैं, तो 6 साइकिल में 30,000 बराबर लगते हैं, यानी पेशेंट को फायदा ज्यादा होता है। दूसरे स्लैब में जिसमें 15,000-20,000 रुपए रहता है, उसमें एक बार की ही दवाइयां आ पाती हैं और उसमें डॉक्टर का इंसेंटिव ज्यादा। 5,000 रुपए वाले स्लैब में डॉक्टर का इंसेंटिव बहुत कम रहता है, क्योंकि 700 पेशेंट मेरे को रोज देखना है, रोज चलाना है, तो मेरे को न्यूनतम स्तर वाले स्लैब में ही पेशेंट का इलाज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ पेशेंट आपके पास ज्यादा है और आप इलाज ज्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद आपका उनसे कम है और उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट आपसे एक तिहाई है, लेकिन उनका पास 4-4 लाख रुपए पेमेंट होना। जो कुछ हुआ है बिल्कुल नियम और कानून के हिसाब से हुआ है, लेकिन उनका ये मैं सहमत हूँ कि उनका इंसेंटिव पैकेज बड़ा होता था। तो अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक चौधरी से, जिनका साफ कहना है कि ये कोई गड़बड़ झाला नहीं है, लेकिन ये कम और ज्यादा मरीज इलाज करने की बात है। जैसे कि उन्हें साफ कहा है कि उनके पास नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज्यादा होने के बावजूद उनका इंसेंटिव बहुत कम आता है, लेकिन डॉक्टर पुनीत गुप्ता एक छोटे से मेडिसिन विभाग में थे लेकिन उनके ज्यादा इंसेंटिव आना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्य राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।